आप गोवा के गवर्नर भी थे जी, वहां भी आपने मुद्दा उठाया था कोरोना काल में किस तरह से सरकार वहां मिसहैंडल कर रही है। बीजेपी की सरकार जी, थी, प्रमोद सावंत वॉज चीफ मिनिस्टर जी, वहां भी आपने खुलेआम कहा कि देयर आर क्वेश्चन मार्क्स वे बीजेपी गवर्नमेंट इन गोवा इज हैंडलिंग कोरोना। नो, यू स्टिक बाय दोज कमेंट्स? यस, आई स्टिक दैट देयर वाज चार्जेस ऑफ करप्शन एंड पीपल वर, लोगों ने उसको बहुत सपोर्ट किया। जब मैं छोड़ के चला आया हूं तो तीन मशहूर कोंकणी सिंगर्स ने तो गाना गाया उस पर। एंड यू थिंक देयर वाज करप्शन देयर आल्सो? ऑफ कोर्स देयर वाज करप्शन इन द गोवा गवर्नमेंट इन द हैंडलिंग ऑफ कोरोना। देयर वाज करप्शन इन गोवा गवर्नमेंट इन हैंडलिंग ऑफ एनीथिंग एवरीथिंग। सर, ये आप गवर्नर होके आपके ही बीजेपी, क्योंकि आप बीजेपी से जुड़े हो, आपके मुख्यमंत्री के खिलाफ ये कह रहे हैं? तभी तो मैं हटा दिया गया वहां से। आप कह रहे हैं आपको हटाया गया क्योंकि आपने अपने ही मुख्यमंत्री के खिलाफ करप्शन एलिगेशन। देखिए, मेरी दिक्कत यह है कि मैं लोहियाइट हूं, फिर मैं चरण सिंह जी के साथ रहा हूं, करप्शन पे मुझे गुस्सा आता है, बुरा लगता है जी। हुआ ये था कि जब जिस दिन वहां लॉकडाउन डिक्लेयर हुआ जी, तो सरकार ने कहा कि हम ये खाने पीने की चीजों की दुकान भी नहीं खुलने देंगे और हम डोर टू डोर सर्व करेंगे, विच वॉज इम्पॉसिबल। पर उसमें कोई कंपनी थी जिसने पैसा दिया था, तो मुझे कांग्रेस के लोगों ने भी, बाकी लोगों ने भी बताया कि साहब ये तस्दीक कर लो आप। मैंने तस्दीक की, मैंने प्रधानमंत्री जी को बताया, इन्होंने उन्हीं लोगों से पूछ लिया जो इसमें इन्वॉल्व थे जी, तो वो तो कहेंगे नहीं कि हम ये कर रहे हैं, बट मैं, मुझे पता था कि ये है। फिर इसके बाद एक दौर ऐसा आता है कि जिसमें वो जो एक एरिया है एयरपोर्ट के पास, वहां से ये इसके ट्रक गुजरते थे खान वालों के, तो उससे वो फैलता था कोरोना, वेजिटेबल ट्रक्स। तो मैंने कहा भाई इसको भी माइनिंग, हाँ, मैं कहा इनको बंद कर दो, वो उन्होंने बंद नहीं किए, तो वहीं कोरोना आया। फिर तो लोग ये कन्विंस्ड हो गए कि हमारी हक की बात कर रहे थे। तो गवर्नमेंट वाज अलाउइंग माइनिंग ट्रक्स टू गो थ्रू ड्यूरिंग द लॉकडाउन एंड द गवर्नमेंट वाज इन योर व्यू इन्वॉल्व्ड इन करप्शन। सर, आप ये सब कह रहे हैं, लोग कहेंगे हियर इज अ गवर्नर, आप राजभवन में बैठे हैं, राजभवन को कहा जाता है ए पॉलिटिकल है, पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ नहीं है, लेकिन जो बातें आप आज मुझे कह रहे हैं ये तो बड़ी पॉलिटिकल निकलेगी। तो आपको तो मैं वापस ले लेता। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं नहीं, पर नहीं, बिकॉज बहुत कम लोग कह रहे, इतना जो धीरज धैर्य होता है, बहुत कम लोग ऐसा महसूस करता हूं, इसलिए कह रहा हूं। अब गोवा में भी मैंने कोई फसाद नहीं किया जी, मैंने चीफ मिनिस्टर को समझाया भी, उसे सपोर्ट भी किया, लेकिन वो तो एक लाइन होती आदमी पकड़ लेता। अब उन्हें बैठे बिठाए कह दिया कि इस गवर्नर हाउस की जगह इसको तोड़वा के नया बनवाएंगे। अब वो एक हेरिटेज प्रॉपर्टी है और फंक्शनिंग प्रॉपर्टी है, उसे तोड़वाने की कोई जरूरत नहीं है। तो मुझे कहना पड़ा कि नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं, मैं तो डेढ़ कमरे में रह रहा हूं, रह लूंगा, लेकिन इसमें नया गवर्नर हाउस हो, जबकि हम इतना उसमें थे अंडर ड्यूरेस फाइनेंशियल, यस, उस वक्त हमको ये नहीं करना चाहिए। लेकिन सर, प्राइम मिनिस्टर को आपने ये बात बताई, प्राइम मिनिस्टर इंस्टेड ऑफ रिमूविंग चीफ मिनिस्टर को उन्होंने हटाया नहीं, आपको हटाया। इस पे मैं भेज दूंगा आपको, कोंकणी में गीत बने जो वहां के जो टॉप सिंगर्स हैं उन्होंने गाए। नहीं तो ये गलत है ना कि उन्होंने प्रधान, आपने तो करप्शन एक्सपोज की जी, लेकिन जो व्यक्ति है वो वहां बैठा रहता है और आपको हटाया जाता है, तो और प्रधानमंत्री आप कहते हैं करप्शन के खिलाफ सख्त है, अगर सख्त होते तो व्हाई डिड ही नॉट टच मिस्टर सावंत? प्रधानमंत्री करप्शन के खिलाफ हैं, कई बार उनको लोग, जैसे उन्होंने वहां पूछवाया कुछ लोगों से कि भाई ये करप्शन हो रहा है क्या, गवर्नर बता रहे हैं, तो उन्होंने कहा होगा कि नहीं हो रहा, वो लोग वही थे जो खुद इन्वॉल्व थे उसमें, तो प्रधानमंत्री भी मिसगाइड तो किए जा सकते।